हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के टॉप एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा। टॉप एमसीक्यू इस वीडियो का हम कवर करेंगे, पेपर फर्स्ट आपका इस वीडियो में रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, तो वीडियो सिर्फ आपके लिए रहेगा। ठीक है, एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर कराने वाला हूँ। देखिए, आपका ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश करता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज़ ऑल्सो नोन एज। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर आपको लगा देना है इंडो एंग्लियन लिटरेचर के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको जो है हम इंडो एंग्लियन लिटरेचर के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द फर्स्ट बुक रिटन बाई एन इंडियन इन इंग्लिश वॉज। वो पहली किताब कौन सी है जिसको एक इंडियन ने इंग्लिश में लिखा था? राइट आंसर आपको लगाना है ट्रेवल्स ऑफ डीन महोमेट। ठीक है, ट्रेवल्स ऑफ डीन महोमेट जो हो जाएगी एक ऐसी किताब है जिसको जो है एक इंडियन ने इंग्लिश में लिखा था। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मेरे आपको इस नंबर पर सेंड कर देना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को 4 से 5 दिन बाद देख रहे हैं तो इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। अगर आप अभी तत्काल में देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर सेंड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये वाला जो नंबर है मेरा, इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से इस पर व्हाट्सअप ओपन नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है, तो आप अभी कुछ समय के लिए इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, इस नंबर पे आपको क्वेश्चन पेपर अपना सेंड कर देना जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द फर्स्ट इंडियन नोवल रिटन इन इंग्लिश वॉज। वो पहली इंडियन नोवल कौन सी है जिसको इंग्लिश में लिखा गया था? राइट आंसर आपको लगाना है राजमोहन वाइफ्स एक ऐसी इंडियन नोवल है जिसको इंग्लिश में लिखा गया है। सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु ट्रांसलेटेड द महाभारत इंटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। महाभारत को इंग्लिश में पहली बार किसने ट्रांसलेट किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, किसारी मोहन गंगुली ने ट्रांसलेट किया है। ठीक है, किसारी मोहन गंगुली ने महाभारत को इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट किया है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बता दे रहा हूँ, आपसे पूछ सकता है रामायण को। ठीक है, किसको? रामायण को इंग्लिश में पहली बार किसने ट्रांसलेट किया है? आपको आंसर लगा देना है रैल्फ थॉमस हॉट चिकन। ठीक है, रैल्फ थॉमस हॉट चिकन। ठीक है, टी एच करके भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, रैल्फ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन अ लिटरेरी अवार्ड इन यूनाइटेड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन आपसे करा कि अमेरिका में लिटरेरी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन थे। कितनी बड़ी बात है, अमेरिका में पहले लिटरेरी अवार्ड यानी कि साहित्यिक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन थे? राइट आंसर आपको लगा देना है धान गोपाल मुखर्जी। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवल टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड। वो पहली इंडियन इंग्लिश नोवल कौन सी है जिसने जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है? राइट आंसर आपको लगा देना है द गाइड। ठीक है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश ड्रामा टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड। वो पहला इंडियन इंग्लिश ड्रामा कौन सा है जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है? राइट आंसर आपको लगाना है सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर। ठीक है, सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर एक ऐसा इंडियन इंग्लिश ड्रामा है जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखेंगे, सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर किसने लिखा है? तो महेश दत्तानी ने लिखा है। ठीक है, याद रखना, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर महात्मा गांधी वॉज बोर्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली सभी को पता रहता है। वो इंपॉर्टेंट प्लेस यानी कि हमें बताना है, वो जगह हमको बतानी है जहां पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। राइट आंसर आपको लगा देना है पोरबंदर। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी स्पेंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज अर्ली लाइफ इन विच कंट्री। किस कंट्री में, किस देश में गांधी जी ने अपनी शुरुआती जो लाइफ है उसको जिया है? राइट आंसर आपको लगा देना है साउथ अफ्रीका में। भी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन विच ईयर डिड गांधी जी पास हिज मैट्रिकुलेशन इन इंग्लैंड। क्वेश्चन आपसे करा है, गांधी जी ने इंग्लैंड से अपनी मैट्रिक जो है
किस ईयर जो है पास की थी, राइट आंसर आपको लगा देना है 1890 में, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ ओल्ड वॉज गांधी जी वैन हिज फादर डाइड, गांधी जी की एज क्या थी जब उनके पिता की डेथ हुई थी। राइट आंसर आपको लगा देना है गांधी जी जो थे 16 साल के थे, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी इम्प्रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में पहली बार गांधी जी को बंदी कब बनाया गया था। राइट आंसर आपको लगा देना है 1922 में बनाया गया था, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखेंगे कि 1922 में जो गांधी जी को कैद किया गया था ना, तो वो राजद्रोह के आरोप में किया गया था, ठीक है, यानी कि देशद्रोह के एक मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया था कि तुम देशद्रोही हो, तुमको 5 साल की सज़ा होती है, ठीक है, 5 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन तबीयत खराब होने लगा बीच में, तो 5 साल से पहले ही छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लेग्स, यानी कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने अपने दो पैर किसको बताया। राइट आंसर आपको लगाना है अहिंसा और सच को, ठीक है, अहिंसा और सच को जो है गांधी जी ने अपने दो पैर बताया है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था। राइट आंसर आपको लगा देना है फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्री मैन, देशवासियों के लिए आज़ादी, ठीक है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट मिली रहेगी कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करने में जो मेहनत हुई है उसके लिए आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो पे 1000 व्यू आप मुझे करा दीजिए, ठीक है, एक छोटा सा टारगेट ये मैं आपको देना चाहूँगा 1000 व्यू का, और साथ ही साथ 100 लाइक का छोटा सा टारगेट आपका रहेगा। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड गांधी फर्स्ट इमर्ज एज अ लीडर इन इंडिया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार भारत में एक नेता के रूप में उभरे थे। राइट आंसर आपको लगा देना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको आप असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द वर्क ऑफ गांधी जी, निम्नलिखित में से कौन सी जो किताब गांधी जी ने लिखी है, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो दोनों किताबें गांधी जी ने लिखी है, तो बोथ ए एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, इंडिया की जगह यहाँ पे आपको एशिया करना है, लाइट ऑफ एशिया जो किताब है किसने लिखी है, एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है, याद रखना, ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गांधी जी ने कब पार्टिसिपेट किया था, तो राइट आंसर लगा देना 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ पर गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया 1931 में, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑन विच डेट महात्मा गांधी पास अवे, गांधी जी की जो डेथ हुई थी कब हुई थी, राइट आंसर आपको लगाना है 30 जनवरी 1947 को गांधी जी की डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेयर वॉज महात्मा गांधी असैसिनेटेड, यानी कि महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। राइट आंसर आपको लगा देना है न्यू दिल्ली में हुई थी, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन डिड मोहनदास करमचंद गांधी राइट हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल्स। इंडियन होम रूल्स और हिंद स्वराज को महात्मा गांधी जी ने कब लिखा था। राइट आंसर आपको लगा देना है 1909 में लिखा था, बी यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट लैंग्वेज डिड गांधी जी ओरिजिनली रिटन हिंद स्वराज इन। हिंद स्वराज में गांधी जी ने, हिंद स्वराज को गांधी जी ने किस भाषा में लिखा है। राइट आंसर आपको लगा देना है गुजराती भाषा में लिखा था, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेयर वॉज गांधी जी ट्रेवलिंग टू व्हेन ही रोट हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब गांधी जी इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज को लिख रहे थे तो वो किधर ट्रेवल कर रहे थे। राइट आंसर आपको लगा देना है लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, ठीक है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाई वॉज हिंद स्वराज बैन बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा हिंद स्वराज को बैन क्यों किया गया था। राइट आंसर आपको लगाना है इट वॉज कंसिडर्ड सेडिटियस, इसे जो है राजद्रोह माना गया था, इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको क्या कहा, बैन कर दिया गया, ठीक है, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
इन एडिशन टू गुजराती विच अदर लैंग्वेज हैज़ हिंद स्वराज बीन ट्रांसलेटेड इन टू, क्वेश्चन आपसे करा है कि गुजराती के अलावा किस अन्य भाषा में हिंद स्वराज को ट्रांसलेट किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट किया गया है गुजराती के अलावा, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वॉट टर्म गांधी जी यूज टू डिस्क्राइब हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर इन हिंद स्वराज, क्वेश्चन आपसे करा है कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था एम्पायर का, उन्होंने हिंद स्वराज में उस कॉन्सेप्ट को किस शब्द के द्वारा डिस्क्राइब किया है। राइट आंसर आपको लगा देना है मोरल एम्पायर करके जो है एम्पायर शब्द को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट डज होम रूल इज सेल्फ रूल मीन, गांधी जी के अनुसार होम रूल इज सेल्फ रूल का मतलब क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है ब्रिटिश शुड लीव इंडिया टू इंडियंस, के जो अंग्रेज हैं अंग्रेजों को भारत को भारतीयों के लिए छोड़ देना चाहिए, ये गांधी जी का इसमें मतलब रहेगा, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज उर्वशी बुटालिया नोन फॉर, उर्वशी बुटालिया जो है किसके लिए जानी जाती हैं। राइट आंसर आपको लगाना है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जानी जाती हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती हैं, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए जो यूनिवर्सिटी कराती है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना है @study platform। ठीक है, क्या सर्च करना है, @study platform सर्च करना है और आपको ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लेना है। इसी के साथ मैंने एक दूसरा चैनल आपके लिए क्रिएट किया है हेलो स्टडी के नाम से, इस पे जो है मैं आपको क्या करता हूँ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ बताता हूँ। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन विच ईयर वॉज उर्वशी बुटालिया बॉर्न, उर्वशी बुटालिया का जो जन्म है कब हुआ था। राइट आंसर आपको लगाना 1952 को होता है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वेयर वॉज उर्वशी बुटालिया बॉर्न, उर्वशी बुटालिया का जो जन्म है वो कहाँ होता है। राइट आंसर आपको लगा देना है अंबाला हरियाणा इंडिया में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, हरियाणा अंबाला में होता है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ वन ऑफ उर्वशी बुटालिया नोटेबल बुक, उर्वशी बुटालिया की जो एक किताब है उसका टाइटल क्या है। राइट आंसर आपको लगा देना है द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी चैप्टर्स डज द अदर साइड ऑफ साइलेंस बाई उर्वशी बुटालिया कंटेन, कह रहा है कि उर्वशी बुटालिया की जो किताब है द अदर साइड ऑफ साइलेंस उसमें कितने चैप्टर हैं। राइट आंसर आपको लगाना है 8 चैप्टर हो जाएंगे, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन व्हाट ईयर वाज द अदर साइड ऑफ साइलेंस बाय उर्वशी बुटालिया पब्लिश, उर्वशी बुटालिया की जो किताब है द अदर साइड ऑफ साइलेंस उसको पब्लिश कब किया गया था, 1998 में पब्लिश किया गया था, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हेन वाज तोरू दत्त बॉर्न, तोरू दत्त का जन्म जो है कब होता है। राइट आंसर आपको लगा देना है 4 मार्च 1856 को कलकत्ता में होता है, ए यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन विच लैंग्वेज डिड तोरू दत्त राइट, जो तोरू दत्त है वो किस भाषा में लिखते थे। राइट आंसर आपको लगाना है इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में लिखते थे, सी जो है यहां पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज द कॉज ऑफ तोरू दत्त डेथ एंड एट व्हाट एज डिड शी पास अवे, कह रहा है कि जो तोरू दत्त हैं उनकी जो डेथ है उसका कारण क्या था। तो राइट आंसर आपको लगाना है ट्यूबरक्लोसिस था, और किस एज में उनकी डेथ होती है, तो राइट आंसर आपको लगाना है 21 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हु वॉज तोरू दत्त फादर एंड वॉट वॉज हिज प्रोफेशन, तोरू दत्त के पिता कौन थे और उनका प्रोफेशन क्या था। राइट आंसर आपको लगा देना है गोविंद चंद्र दत्त उनके पिता का नाम था, और वो कौन थे, एक मजिस्ट्रेट थे, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउ मैनी सिबलिंग्स दिथ तोरू दत्त हैव, तोरू दत्त के कितने जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे। राइट आंसर आपको लगा देना है 3 भाई बहन थे, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है When was Nissim Ezekiel born? Nissim Ezekiel का जो जन्म है वो कब हुआ था। राइट आंसर आपको लगाना है
16 दिसंबर 1936 को निसिम एजिगल का जन्म होता है मुंबई में, याद रखिएगा। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फ्रॉम विच कॉलेज निसिम एजिगल ग्रेजुएट, निसिम एजिगल ने किस कॉलेज से ग्रेजुएट पास किया। राइट आंसर आपको लगाना है विल्सन कॉलेज से, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु कंपोज्ड अ पोयम ऑफ डेडिकेशन, अ पोयम ऑफ डेडिकेशन को किसने कंपोज किया है। राइट आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे इसका, निसिम एजिकल ने कंपोज किया है, ठीक है। कहाँ पे किया है, इंग्लैंड में किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अ पोयम ऑफ डेडिकेशन इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ, अ पोयम ऑफ डेडिकेशन जो है किस स्टाइल में लिखी गई है। राइट आंसर आपको लगाना है ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निसिम एजिकल पास्ड अवे, निसिम एजिकल का जो है डेथ कब होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है जनवरी 2004 को होता है। इनकी एज जो हो जाएगी 79 एज में इनका डेथ हो जाता है 2004 में, ठीक है। 9 जनवरी 2004 को इनकी डेथ होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निसिम एजिकल रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर, निसिम एजिकल ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है कब जीता था। 1983 में जीता है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निसिम एजिकल रिसीव पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड जो है निसिम एजिकल ने कब जीता है। राइट आंसर आपको लगाना 1988 में, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु ट्रांसलेटेड जवाहरलाल नेहरू पोएट्री, जवाहरलाल नेहरू की जो पोएट्री है उसको किसने ट्रांसलेट किया है। राइट आंसर आपको लगा देना है निसिम एजिकल, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द पोयम अ पोयम ऑफ डेडिकेशन कंसिस्ट ऑफ, अ पोयम ऑफ डेडिकेशन जो पोयम है वो कितनी लाइनों से मिलकर बनती है। राइट आंसर आपको लगा देना है 36 लाइन, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अ पोयम ऑफ डेडिकेशन इज अ पोयम ऑफ, अ पोयम ऑफ डेडिकेशन जो पोयम है वो क्या है, एक लव टाइप की पोयम हो जाएगी, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु कॉल्ड निसिम एजिकल अ पोइट ऑफ बॉडी, अ पोइट ऑफ बॉडी निसिम एजिकल को किसने कहा। राइट आंसर आपको लगाना है लिंडा हैस, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जयंत महापात्रा वॉज अ, जयंत महापात्रा कौन है। राइट आंसर आपको लगा देना है, एक पॉइंट हो जाएंगे, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन वॉज जयंत महापात्रा बॉर्न, जयंत महापात्रा का जन्म कब होता है। राइट आंसर आपको लगा देना है 22 अक्टूबर 1928 को जयंत महापात्रा का जन्म होता है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेयर वॉज जयंत महापात्रा बॉर्न, जयंत महापात्रा का जो है जन्म कहाँ होता है। राइट आंसर आपको लगा देना है कटक में होता है, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट वाज महापात्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, महापात्रा के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी। राइट आंसर आपको लगाना मास्टर की डिग्री थी फिजिक्स में, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एट व्हाट एज महापात्रा स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, महापात्रा ने जो है किस एज से पोएट्री लिखना शुरू किया। राइट आंसर आपको लगाना है 38, ठीक है, जब वो 38 साल के थे तभी से उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु कंपोज द पोयम हंगर, जो हंगर पोयम है उसको किसने कंपोज किया। इसका पूरा नाम हो जाएगा हंगर इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोयम ऑफ, ठीक है, तो किसने कंपोज किया, जयंत महापात्रा ने किया है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु वॉज द फर्स्ट पोइट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो पहला कवि कौन सा है जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है। राइट आंसर आपको लगा देना जयंत महापात्रा, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, महापात्रा वॉज अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड डैश बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो राइट आंसर आपको लगाना है 2009 में जयंत महापात्रा को जो है पद्मश्री अवार्ड से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन महापात्रा पोयम हंगर, जो महापात्रा की एक पोयम है हंगर उसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो राइट आंसर आपको लगना है 3 कैरेक्टर हो जाएंगे, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द पोयम हंगर इज बेस्ड ऑन द पीपल ऑफ, जो पोयम है हंगर वो किन लोगों के ऊपर बनाई गई है। राइट आंसर आपको लगाना है कलकत्ता के जो लोग हैं उनके ऊपर उसको लिखा गया है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दारूवाला, दारूवाला का फुल नेम क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है केकी नसीरवंजी दारूवाला, ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन वाज केएन दारूवाला बॉर्न, केएन दारूवाला का जो जन्म है कब हुआ था। राइट आंसर आपको लगाना है 1937 में, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। वेयर वाज केएन दारूवाला बॉर्न,
के एन दारूवाला का जो जन्म है वो कहाँ होता है, राइट आंसर आपको लगाना है लोनी बुरहनपुर, ठीक है, कहाँ पे होता है, लोनी बुरहनपुर में होता है, वर्तमान लाहौर यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में होता है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आप वीडियो तो नहीं यहाँ तक रहे इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।